आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। में पुलिस की सख्त हिफाजत के तहत नाला चीरो में गैर मजाज तमीरात को हटाने के लिए मिसमार करने की मुहिम शुरू की है। उहदेदारों ने यह तय किया है कि नाला चीरो का कल रकबा 27 एकड़ है, जिसमें 14 एकड़ पर कब्जा किया गया है। ये पता चला है कि 7 एकड़ फुल टैंक लेवल FTL और बफर जोन में है। 4 एकड़ के बफर जोन में 50 से ज्यादा ठोस इमारतें और अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, जबकि 3 एकड़ के FTL इलाके में 25 इमारतें और 16 शेड। हुक्काम रिहायशी इमारतों के अलावा नाला चीरो पर तामीर किए गए 16 शेडों को गिराने के अमल में हैं। ఒక్కటి పనికి రాకుండా చేశారు బూట్లే రాకుండా ప్రెగ్నెంట్ మీ ఏం కాపాడతారు మీరు ఏం రాస్తారు మీది కాపాడడం కోసం చేస్తున్నారు అని అంటున్నారు हैदराबाद में गरज व चमक के साथ तूफानी बारिश। शहर हैदराबाद में हफ्ते की शाम तकरीबन 7 बजे से कई इलाकों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश हुई। धुआंधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मुकामात पर बर्फी की सरबराही में भी खलल पड़ा। खैरताबाद, कोठी, सुल्तान बाज़ार, बेगम बाज़ार, एबिट्स, नामपल्ली, बशीर बाग, लकड़ी का पुल, सैफाबाद, लिबर्टी, हिमायत नगर, नारायणगुड़ा, टैंगबर्न, नामपल्ली, मेहदीपट्टनम, मलकपेट, दिलसुख नगर, एलवी नगर, वनस्थलीपुरम, हयात नगर, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, जुबली हिल्स और पुराने शहर के इलाके चंद्रायनगुट्टा, बल्लागुड़ा, फलकनुमा, सैयद अली चबूतरा, शाली बंडा और दीगर इलाकों पर शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश का सिलसिला मोटरसाइकिल रवान और दीगर अफराद बारिश से बचने के लिए मेट्रो फ्लाईओवर और दीगर फ्लाईओवर्स के नीचे ठहरे रहे, जिसकी वजह से यहां पर ट्रैफिक जाम हो गई। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने आइंदा 2 दिनों तक रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश की पेश कयासी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज। आज की स्पीड रोज न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज में।